तो इसमें वही कॉस्ट डेफिनेशन इसकी होगी, एक फिक्स लाइन रहती है, एक फिक्स पॉइंट रहेगा, ये पी रहेगा यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट, इसका लोकस उसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस पी एम, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पी एस, ठीक है। इनका अगर रेशियो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और ई लेस देन वन आ जाता है, तो इस केस में लोकस ऑफ पी इज इलिप्स, ठीक है। पी का लोकस यहाँ पे क्या होगा, इलिप्स होगा, ये यहाँ पे कहलाता है फोकस, ये यहाँ पे हो जाती है डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गई उसकी क्या फर्स्ट डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको हम, मतलब इसमें अब हमें ई भी गिवन होना चाहिए, जैसे पैराबोला के केस में ई गिवन नहीं भी रहता था तब भी चल जाता था, क्योंकि ई कितना होता था वन, लेकिन इस केस में ई भी गिवन होना चाहिए, फोकस भी गिवन होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन होनी चाहिए, तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इस डेफिनेशन से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद उसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, देखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, वो आता कैसे डायरेक्टली लिख लो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अंदाजा प्रूफ एक किया भी होगा हमने, स्ट्रेट लाइन केस में लोकस सेक्शन ई ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो से जो डिस्टेंस आता है उसका सम कांस्टेंट था या डिफरेंस कांस्टेंट था, कुछ तो था वो, एक सेक्शन ई में ही है, स्ट्रेट लाइन के पार्ट वन में ही डिफरेंस कांस्टेंट वाला था मेरे ख्याल से, तो वो हाइपरबोला आता था, और अगर सम कांस्टेंट होता है तो वो आता है इलिप्स, तो उसी से इसकी स्टैंडर्ड मतलब ये निकलने वाला है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। या तो तुम इसमें फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो इसको, लोकस ये फोकस इज, फोकस इज ए कॉमा जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, फोकस इज ए कॉमा जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ए बाई ई, तो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके निकालो, ताकि फिर उससे हमें क्या मिल जाएगा, ए एंड बी में रिलेशन भी मिल जाएगा, करो तो यूज, फोकस इज ए कॉमा जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, तो इसी डेफिनेशन का यूज करके हमें इक्वेशन चाहिए। चलो देखो उस फॉर्म में भी लाना है, इधर देख लो, यहाँ पे आप ये पी एस डिस्टेंस जो आएगा, ये फिक्स लाइन हमें पता है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है, फिक्स पॉइंट पता है ए कॉमा जीरो है, ये पी पॉइंट हम ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, और ये पी एम डिस्टेंस है, ये पी एस डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम आ जाएगा, दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर करने के बाद तेरा ब्लर हो रहा है बार बार, एक के बाद पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इनटू पी एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पी एस स्क्वायर जो आएगा वो रहेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इनटू एक्स माइनस ए बाय ई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ई स्क्वायर अंदर जाएगा, यहाँ पे अपॉन में वन था,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला x कॉमा y से, इससे डिस्टेंस निकाला है x कॉमा y का, तो यहां पे हम थोड़ा इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये e स्क्वायर जब अंदर जाएगा, या तो तुम इसको एक्सपांड करो पहले, ये x स्क्वायर माइनस 2ax by e plus a square by e square, ठीक है, ये आ जाएगा। अब e square को अंदर जब हम multiply कर देंगे तो यहाँ पे ये a square minus 2aex plus a square e square plus y square is equal to e square into x square minus 2aex plus a square, ये आ जाएगा, तो ये cancel out, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो x square जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 minus e square into x square, फिर ये y square as it is, उसको उधर लेके चले जाएंगे, तो उसको जब उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा a square into 1 minus e square, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब a square into 1 minus e square से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x square upon a square plus y square upon a square into 1 minus e square is equal to 1, ये आ जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे b square से, ताकि फिर हमें a और b में क्या रिलेशन आता है वो भी मिल जाएगा इससे। यहाँ पे ये x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and यहाँ पे b square रहेगा a square into 1 minus e square, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से a एंड b में क्या रिलेशन आता है वो भी हमें मिल गया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम बताओ e कितना आ जाएगा, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, a या b, a बड़ा होगा, ठीक है, a बड़ा होगा। इसकी डायग्राम बनाते हैं अब, ये दो चीजें याद रखनी है, अगर ये है इसमें ये भी याद रखना, क्या कौन बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि वैसे डायरेक्टली दिख भी रहा है, a अगर b से बड़ा होगा तभी अंडर रूट के अंदर भी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट डिफाइन होगा। तो जब a ग्रेटर देन b है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा और a b एंड e में ये रिलेशन रहेगा, ठीक है, इसकी डायग्राम हो तो लिख लो, लिख लो। हो गया, कौन सा तरह है एंड एंड अभी दिख तो रहा है सब दिख तो कर देंगे रिक्वायरमेंट आएगी। हो गया इधर ऑनलाइन? हां सर। चलो दो पॉइंट याद रखना, अगर ये इलिप्स है, वैसे ये इलिप्स होगा, यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ पे b स्क्वायर रहेगा, तो ये इलिप्स आएगा एंड इसमें ये रिलेशन आ रहा है a b एंड e में, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा और इसकी जो डायग्राम आएगी, इस इलिप्स की ठीक है। अच्छा ये आधा पार्ट इनको ये है, ऑनलाइन की एक दिक्कत इनको दिखता नहीं आता। ठीक है तो यहाँ पे पागल Oh.
आप दिख रहा है पूरा इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स आता है अगर ये है ना, ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो उस केस में हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो वहां पे y की जगह पे 0 पुट करो तो x कितना आएगा, प्लस माइनस a आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कौन से आ जाएंगे, a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस b, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पे 0 कॉमा b एंड 0 कॉमा माइनस b। तो ये थोड़े से ओरिजिन की तरफ ज्यादा क्लोज रहेंगे ना b एंड माइनस b वाले पॉइंट्स, क्योंकि यहां पे a ग्रेटर देन b है एंड a थोड़े से दूर रहेंगे ओरिजिन से, तो इस तरीके से ये इलिप्टिकल डायग्राम आ जाती है। अगर a इज इक्वल टू b रहता तो क्या मिल जाता, सर्कल ही मिल जाता। अब इस डायग्राम में देख के बताओ तुम, ये दोनों तो क्या हो जाते हैं, ये क्या रहेंगे यहाँ पे, डेफिनेशंस, डेफिनेशन से जाओ, जिसके अबाव फोकस भी नहीं, कर एक्सिस को जहां पे कट कर, वैसे एक्सिस की पहले बात कर लेते हैं हम, एक्सिस को हमने क्या देखा था, वर्टेक्स, इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाय e, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली उधर आएगा क्योंकि e कैसा है, 1 से छोटा है, e 1 से छोटा है तो a बाय e a से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, e अगर 1 से छोटा है तो a से e, बड़ा, a से बड़ा या छोटा, बड़ा आएगा क्योंकि a से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी a से बड़ी हो जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स तो इधर आने वाली है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे इसमें ए कॉमा 0, तो वो कहां पे आएगा, इधर आएगा या उधर आएगा, ए के अंदर आएगा ना, क्योंकि यहां पे ए को अगर हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे और ई 1 से छोटा नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के इधर ही आने वाला है, तो ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है, और ये फिर क्या रहेगा यहां पे, लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस एक्सिस, और यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, वैसे ही एक्चुअल में यही एक एक्सिस है, और हमने दूसरी डेफिनेशन भी देखी थी एक्सिस के अबाउट डायग्राम कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है, ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका नाम है मेजर एक्सिस, मतलब जो एक्चुअल में डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस, एंड क्या इसके अबाउट डायग्राम सिमेट्रिक है क्या बताओ, इसको कहते हैं फिर यहाँ पे माइनर एक्सिस, जो एक्चुअल में डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर रहता है वो होगा यहाँ पे मेजर एक्सिस। और मेजर एंड माइनर टर्म्स में भी देखेंगे तो ये देखो कौन सी लेंथ बड़ी है, 2a बड़ा है ना 2b के कंपेयर में, तो मेजर उसकी वजह से इसको दिया जाएगा नाम, और ये माइनर रहेगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम की सिमेट्रिसिटी से बताओ क्या आपके कितने फोकस रहेंगे, दो रहेंगे, एक तो यहाँ पे आ गया और एक ओरिजिन पे इधर आएगा s डैश, तो ये आ जाएगा माइनस a कॉमा 0, कितनी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, दो फोकस, तो दो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस a बाय e, तो ये माइनस a कॉमा 0 एंड a कॉमा 0 क्या रहेंगे, ये a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0 क्या रहेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कितने लेटस रेक्टम, दो लेटस रेक्टम रहेंगे, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये एक लेटस रेक्टम, ये एक लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम का यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए, यहाँ पे भी वो क्या है ए, तो वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए, y कोऑर्डिनेट। अब ये ए कॉमा, इसको थोड़ी देर के लिए y ले लो, ए कॉमा y पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर y, प्लस माइनस b स्क्वायर y, याद कर लिया है कि नहीं है, वहां पे कुछ भी इतने जल्दी कैसे निकाल लेगा,
अच्छी बात है, वैसे आगे की चीजें भी तुम देख के आ सकते हो, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज है, फायदा ही होगा यहाँ पर समझने में टॉपिक क्या अजिंक्य के रहना पीछे में नहीं पढ़ा जा रहा, आगे की बात कर रहे सर है कि नहीं। मेरे दोस्तों का तो 50 लेक्चर पेंडिंग है, मेरे तो 10 ही है ना। आज थोड़ा अलग से आ गई यही सोचता हूँ तो। ब्लर हो जा रहा है, चेंज कर दो। वीडियो बंद हो गया सर। एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे लेटेस्ट रेक्टम के एट पॉइंट्स निकाल रहे थे, इसमें x कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, a ही रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन आएगी ये कैसी रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमने y मान लिया तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोलिक के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये गया, यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पे e स्क्वायर हमने देखा है कितना होता है, कितना होता है e स्क्वायर, 1 माइनस, ये होता है मतलब e कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो वहां से e स्क्वायर ये आ जाएगा, तो माइनस, तो ये गया यहां पे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है b की पावर 4 बाय a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a, तो यहां पे इसके लिए हो जाएगा b स्क्वायर बाय a, इसके लिए हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय a, इसके लिए हो जाएगा b स्क्वायर बाय a, एंड यहां पे हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय a, इस तरीके से कितना रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहेगा, और इलिप्स के केस में दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ दो होता है सेंटर, और इसमें सेंटर भी अब आता है, पैराबोला के केस में सेंटर डिफाइन नहीं हो रहा था, और सेंटर हमने क्या देखा था, इसमें पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट्स ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इट, तो यहां पे ये सेंटर होता है इसका, इससे तो कोई भी कॉर्ड पास करवाओगे इसका वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो यहां पे 0,0 इसका क्या होता है, सेंटर भी होता है, क्योंकि इससे पास होने वाले इलिप्स के सारे कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाते हैं वहीं पे, ठीक है, तो लिखो अब इसको मेजर एक्सिस का इक्वेशन जैसे पैराबोला में कर सकते हो उसके साथ। सर हाँ बोलो सर, वहाँ जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0,b और 0,-b उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है? नहीं उनका नाम नहीं है, वैसे ही उनको बोलेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, फिर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कहेंगे, और इनको कहेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड वर्टाइसेस, दोनों भी नाम है उसका, ठीक है, इसका नाम बोल सकते हो मेन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो लिखो अब यहां सारे पॉइंट्स, इक्वेशन पहले लिख लो, फिर उसके बाद वर्टाइसेस मतलब कोऑर्डिनेट्स वाला लिख लेना, फिर उसके बाद लेंथ वाला लिख लेना,
देख तेरा कनेक्ट किया इधर अटक रहा है अब तो इसको ऐसा लिखो अब तुम इक्वेशन पहले लिख लो मेजर एक्सिस का इक्वेशन वो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो माइनर एक्सिस का इक्वेशन वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये सारे पहले इक्वेशन लिख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ऐसे भी कर सकते इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई बी फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ एल आर इक्वेशन ऑफ एल आर तो वो आ जाएंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए उसके बाद और कौन से इक्वेशन होते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स कितने रहेंगे दो रहेंगे मतलब ये वाला एक टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा एंड ये वाला एक टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स तो ये रहेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ये वाला एक्स इज इक्वल टू है एंड ये वाला एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ये टेंजेंट एट वर्टेक्स इक्वेशन तो इतने याद रखने हमें अगर a greater than b आता है उसी इलिप्स में लेकिन इलिप्स कैसे फॉर्म में होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x square by a square plus y square by b square is equal to 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे उसको जब उसके एक्सिस माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस क्या आ रहे होंगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहे होंगे तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पॉइंट्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 फिर उसके बाद फोका है दो है ना तो फोकस का न्यूरल फॉर्म यही क्या था ना फोका है प्लस माइनस ए कॉमा 0 फिर उसके बाद वर्टाइसेस ये हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 और क्या रहेगा यहाँ एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये रहेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी ठीक है फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर ये आ जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए चार पॉइंट एक ही इसमें लिख लिया हमने क्योंकि प्लस प्लस से एक पॉइंट प्लस माइनस से एक पॉइंट माइनस प्लस से एक पॉइंट माइनस माइनस से एक पॉइंट मतलब चार पॉइंट से एक ले लो एंड पॉइंट्स ऑफ पिलर इसके बाद और कौन सा वर्टेक्स को अब लेंथ की बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ 2b लेंथ ऑफ माइनर 2b 2b आ जाएगा मतलब इतने पोर्शन को बोलेंगे हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो वो यहां पे रहेगा 2b फिर उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 2a फिर उसके बाद लेंथ ऑफ LR लेंथ ऑफ LR हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय a 2b स्क्वायर बाय a और अगर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वहां एक्सिस आ रहे हैं तो उस केस में हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका इक्वेशन निकालेंगे जैसे पैराबोला में करते थे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला फॉर्म वहां पे एक्सिस क्या होता है y इज इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स का x इज इक्वल टू 0 उसमें डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख रहे थे फिर उसमें फर्स्ट डेफिनेशन से जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसके अलावा और कुछ डाटा होता है तो फिर उसमें हमें क्या पता होना चाहिए उसका फोकस एंड उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स सब ये नहीं कि ये फोकस ले रहे तो ये डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करोगे नहीं ये फोकस ले रहे तो यही डायरेक्ट्रिक्स हमें कंसीडर करनी पड़ेगी मतलब बोला जाएगा इस फोकस की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है ये वाली एंड इस फोकस की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है वो वाली
तो फर्स्ट डेफिनेशन से अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, फोकस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी, तो उस केस में हमें एलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो b ग्रेटर देन a रहेगा तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एलिप्स आ जाएगा। तो जहां जहां a दिख रहा है ना वहां वहां क्या आ जाएगा b, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा y, y दिख रहा है वहां पे x। अगला है x square by a square plus y square by b square is equal to 1 where b is greater than a, where b is greater than a, b is greater than a, इसके लिए करना है। इसेंट्रिसिटी भी लिखो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी e बताओ डायरेक्टली अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। b ग्रेटर देन a के लिए लिखना है आप सब कुछ, अभी जो हमने किया वो किसके लिए था, a ग्रेटर देन b के लिए था, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा था। अब जब b ग्रेटर देन a रहेगा तो उस केस में बनेगा वर्टिकल एलिप्स। गौरव राइट साइड में क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a ना है वो। एंड यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये 0, प्लस माइनस b। डायग्राम बनाओ, डायग्राम में भी सारे पॉइंट्स दिखाओ एंड ऐसे लिख लो। अरे जनरली सारी बातें स्टैंडर्ड वाले में ही होती है, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड के ऊपर ही आते ज्यादा। सर इसमें फोकस वाई एक्सिस पे रहेगा, बिल्कुल
हो गया ठीक है, देख लो बाकी के। यहाँ पे b greater than a है तो eccentricity का जो formula है वो आ जाएगा under root 1 minus a square by b square, ये e का result आ जाएगा under root 1 minus a square by b square। ठीक है, तो इसमें अब ये जो ellipse बनता है ये कैसा बनेगा, vertical ellipse बनेगा। यहाँ पे अब focus y axis के ऊपर आ जाएंगे, focus यहाँ पे रहेगा 0, be एंड ये वाला रहेगा 0, minus be, क्योंकि एक ही जगह पे बी भी लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या करना है इंटरचेंज। तो फोकस पहले वाले में क्या था, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, तो इसमें हो जाएगा 0, b एंड 0, minus b, ये फोकस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये आ जाएगी वाई इज इक्वल टू बी वाई एंड ये वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई, ये माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर इसका 0, 0, ये वर्टाइसेस जो आएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे 0, b एंड 0, minus b, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएंगे a, 0 एंड -a, 0, एंड पॉइंट्स ऑफ LR की बात करेंगे तो वो आ जाएगा a स्क्वायर बाय b, b यहाँ पे -a स्क्वायर बाय b, b यहाँ पे हो जाएगा a square by b minus b एंड यहाँ पे minus a square by b minus b, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये रहेगा tangent at vertex, ये भी रहेगा tangent at vertex, तो इन सब के अब इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंसेस के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा y x is equal to zero, ये इसका मेजर एक्सिस रहेगा y एक्सिस, x is equal to zero। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वो आ जाएगा यहाँ पे y is equal to zero, ये उसका माइनर एक्सिस रहेगा y is equal to zero। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी y is equal to plus minus b by e, दो डायरेक्ट्रिक्स है y is equal to b by e इसके करस्पॉन्डिंग है and y is equal to minus b by e इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ LR y is equal to plus minus b, ये वाला LR एक आएगा y is equal to b, ये वाला y is equal to minus b। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये यहाँ पे रहेगा y is equal to plus minus b, ये वाला y is equal to b and y is equal to minus b। फिर उसके बाद और कोई इक्वेशन नहीं। फिर उसके बाद सेंटर कोऑर्डिनेट इतना है, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 फोका है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, plus minus b। फिर उसके बाद वर्टाइसेस यहाँ पे रहेंगे 0, plus minus b। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा +-a, 0, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ LR ये आ जाएगा यहाँ पे +-a² / b +-be, चारों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये आ जाएगा 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आ जाएगा 2b एंड लेंथ ऑफ LR ये आ जाएगा यहाँ पे 2a² / b। तो ये इसकी सारी चीजें है वर्टिकल वाले की। अब इसमें फोकल डिस्टेंस बाकी है, जैसे पैराबोला में था फोकल डिस्टेंस PS इज इक्वल टू क्या आता था मॉड x प्लस a, इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, एंड अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay रहेगा तो
मॉड वाई प्लस ए, ठीक है, याद रखा सेम। यहाँ पे भी फोकल डिस्टेंस आएगा तो इसके बात करेंगे, पहले ये क्लियर है, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, एक्सिस क्या है, टैंजेंट, वर्टेक्स क्या, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने वहां पे देखा था वर्टेक्स जो था वो फोकस था एंड डायरेक्ट्रिक्स का जो एक्सिस के ऊपर फुट है उसका क्या था, मिड पॉइंट था, है ना। फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना आता था, ए। फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2a। बहुत समझ में नहीं बोला, फिर एक कौन बोला तो इसमें वो पॉइंट देखते हैं, टेस्ट हो गया। हाँ बोलो क्या कह रहे हो सर, इलिप्स में सिर्फ दो केसेस बनेंगे ना। हाँ हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो ही। ये लिख लिया तुम लोगों ने, सर लेंथ वाला रहने दीजिए, लेंथ वाला लिखो जल्दी करो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ LR, जब तक पढ़ो तुम्हें सारी चीजें। और तो जो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके फोकल डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके फोकल डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सोचो। फोकल डिस्टेंस की डेफिनेशन वही है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, हां a plus minus c अलग है, a plus minus x c mod x c सेक्शन ए बोला है मैंने करने के लिए, पार्ट वन पार्ट टू दोनों। अब उसके बाद तुम पैराबोला का जितना भी है पूरा कर सकते हो, पैराबोला हो गया है, पैराबोला सेक्शन सी में भी है, पैराबोला सेक्शन डी में भी है शायद, फिर उसके बाद सेक्शन एफ में है या जी में कहीं पे तो है, तीन चार सेक्शन है पैराबोला के, पूरे लगा सकते हो तुम लोग, कंप्लीट कर लेना उसको आज। डन सर, एक मिनट हो गया, पता नहीं तुम लोगों का देखने से भी पास ढूंढ के पैराबोला सॉल्व कर लेना मॉड्यूल से, ठीक है, सेक्शन के ऊपर नाम गिवन है वहां पे मिल जाएगा, तो मैं जहां जहां पैराबोला लिखता है वो पूरा सॉल्व कर सकते हो, अरे हो जाएगी आराम से। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस वही पे ले लेता लेकिन वो कंजेस्टेड हो जाता है डायग्राम बहुत, तो यहाँ पे कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये इलिप्स कैसा आता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे फोकस ए कॉमा जीरो और ये इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, अब इसमें बताओ कितने फोकल डिस्टेंसेस रहेंगे किसी पॉइंट के, दो, दो फोकल डिस्टेंसेस रहेंगे क्योंकि इसमें क्या है दो फोकस है, तो एक तो जैसे ये पीएस
हमें चाहिए, तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पीएम होगा, पी एस इज इक्वल टू पीएम आएगा ना, ई इंटू पीएम, यहाँ पे ये एम है तो पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पीएम आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, ये यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, आ जाएगा पीएम डिस्टेंस कितना है बताओ, ये एक्स है और ये पूरा ए बाई ई है, तो ये पीएम कितना रहेगा, ये इतना y एक्सिस से डिस्टेंस a by e minus x, ये पूरा a by e है तो pm डिस्टेंस a by e minus x, तो यहाँ पे ps is equal to e into a by e minus x, ये ps is equal to आ जाएगा a minus mod, mod लगा देते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस के टर्म्स में बात करनी है, x कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव भी हो सकता है, तो mod के टर्म्स में बात करेंगे, तो mod x into e, एक तो आ गया, फिर उसके बाद PS डैश भी तो इसका एक फोकल डिस्टेंस रहेगा, तो उस केस में क्या उसको PM के इक्वल करेंगे क्या, नहीं वो फिर क्या आ जाएगा, इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा इसका, तो यहाँ पे PS डैश भी एक फोकल डिस्टेंस है, ये आ जाएगा E into PM डैश, तो PS डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए मॉड एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ मॉड एक्स और ये पूरा डिस्टेंस ए बाई, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो a by e plus mod x, तो यहां से ps dash जो आएगा वो आ जाएगा a plus my, a plus e into mod x, तो दो focal distances आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो focus दो directrix है, इसके वजह से तो focal distances दो है, ऐसे अगर वर्टिकल में बोला जाएगा तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, बी की जगह पे ए की जगह पे बी आ जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना रहेगा इसमें, उधर वाले में वर्टिकल वाले में 2BE, हो गया ये वाला, तो वर्टिकल में फोकल डिस्टेंस भी लिख लेना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन a है, तो ये वर्टिकल इलिप्स आएगा, वर्टिकल इलिप्स यहाँ पे s, यहाँ पे s डैश, ये पॉइंट p, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स ये, तो यहाँ पे ps इज इक्वल टू ये y by e, y इज इक्वल टू p by e है, y इज इक्वल टू माइनस p by e है, तो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ps आ जाता है b माइनस e इनटू मॉड y, एंड ps डैश जब निकालेंगे तो b प्लस e इनटू मॉड y, दो फोकल डिस्टेंस yeah. अब इसमें जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट तो नहीं होता है, इसका फोकस का है डायरेक्ट्रिक्स के फुट का,
इसमें वो किसी रेशियो में डिवाइड करता है, वो पॉइंट लिख लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे फोकस है ए कॉमा जीरो, ये वर्टेक्स है ए कॉमा जीरो, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स उसका एक्सिस के ऊपर फुट आ जाता है ए बाई कॉमा जीरो, ठीक है। ये वर्टेक्स यहाँ पे रहेगा वी डैश माइनस ए कॉमा जीरो। तो तुम यहाँ पे बता सकते हो क्या वी एस एन, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे डी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 में डिवाइड करता है। देख सकते हो तुम चेक, अभी थोड़ी देर के लिए मान के क्या चल रहे ना, लैम्डा इज टू वन मान के चलेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए बाई प्लस ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ए कैंसल आउट, लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू ये आ रहा है लैम्डा बाई ई प्लस ई, ठीक है। एक तरफ लेके आ जाओ तो यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा बाई ई इज इक्वल टू ई माइनस वन, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है ई आ जाएगा, तो ई इज टू वन में करता है, ये आ रहा है ना, लैम्डा इंटू ए बाई ई प्लस वन इंटू ए, ठीक है, अपॉन लैम्डा ए, तो इधर लैम्डा प्लस वन एक तरफ लेके आ जाएंगे, e माइनस वन गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू ई, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है वर्टेक्स उसको, ई इज टू वन में डिवाइड करता है। और ये वाला वर्टेक्स कैसे डिवाइड करेगा, ये अगर इंटरनली कर रहा है तो ये करता है उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे v डिवाइड्स V divides S D internally in the ratio, V divides S D internally in the ratio E is to 1, E is to 1, and V dash divides SD externally in the ratio E is to 1। मतलब इसकी हेल्प तो हम कहाँ पे लेंगे, अगर मान लो हमें वो पता रहेंगे डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट है, फोकस पता है, वर्टाइसेस चाहिए, उस केस में हम इसकी हेल्प से कर लेंगे, वर्टाइसेस निकाल लेंगे, ठीक है। या तो मान लो अगर वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, और हमें डायरेक्ट्रिक्स का फुट चाहिए, तो उस केस में भी इसकी हेल्प ले लेंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, फोकस हमें पता होता, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स चाहिए थी, तो सेक्शन फॉर्मूला वगैरह लगा के ये पॉइंट मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, फिर फर्स्ट डेफिनेशन से इक्वेशन आ जाता, ये सारी चीजें करेंगे। पढ़ो तो एक बार ये सारे पॉइंट्स। और उसका जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री कब रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एन एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में वो जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री जिसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये पैराबोला क्या कह रहे हो, इलिप्स वाली कंडीशन, इलिप्स वाली 2 डिग्री इक्वेशन आयो तो लिखवाइए ना, स्टार्टिंग में ही लिखवाइए एक बार, जनरल इक्वेशन देख लो तुम, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एन एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के साथ में लिखवाई थी सर, जनरल वाले पर क्वेश्चन बनते हैं।
हाँ बन सकते हैं, मिलेंगे तो मैं देखना एक्सरसाइज टू में, टू में ही टू में मिलेंगे वन में नहीं चलता है ये बड़ी दिक्कत है। अब पूछे जाते हैं इसके ऊपर देख लो किसी एक साल तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 2010 बोलो 2010 एडवांस एडवांस दस हाँ इधर दो तीन चार पांच छह सात आठ सात क्वेश्चन पेपर में पेपर सारे एक ही पेपर में और सेकंड लगी है सेकंड एक दो तीन चार मैंने बोल दिया है और एडवांस में तो भी है अगले साल दे देना फिर कम मिलेगी ग्यारह में ऐसे तीन है तीन चार चार तीन है ग्यारह में चार है सेट चार है सेट बारह में भी बारह में भी चार तीन तेरह में एक ही है एक ही तेरह में बता दिया इसको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब दो क्वेश्चन चौदह में भी एक ही है कॉम्प्रिहेंशन पंद्रह में एक चार है चार में भी चार है छह छह ऑनलाइन शिफ्ट भी तो देख लो आप शिफ्ट एक शिफ्ट की बात की जाए तो मैक्सिमम दो क्वेश्चन आते हैं कोनी के बेसिक वाले पर ऐसा हो हाँ मतलब इसमें डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी निकालो ये करो वो करो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं मेंस में। एडवांस में सर्कल है इलिप्स है कॉमन टेंजेंट है ये है वो है आगे बढ़ती है चीज है हमने वो नोटबुक में की वो मेंस वाले देखे क्या आया उसमें एडवांस के लिए उसमें कुछ अब क्या बोले थे सर्कल वही तो फिर हाँ वही ऐसे एडवांस पैरामेट्रिक कहाँ पे लगता है सर्कल है लाइन है पैरामेट्रिक लगा के कुछ चीजें होगी तो एडवांस का क्वेश्चन है ठीक है कोऑर्डिनेटिंग नहीं है सर हाँ बाद में सिर्फ कैलकुलस बाद में लेकिन इसका है फिर से आ जाती चीज है किसमें ज्योमेट्री इसमें भी है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्री फिर उसके बाद इसमें भी ज्योमेट्री अपनी क्या कहते हैं कैलकुलस नहीं वेक्टर 3D तो 3D ज्योमेट्री है उसमें लेकिन ये कुछ हाइपरबोला नहीं है उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीजें होती है ठीक है कैलकुलस क्या ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं ग्राफ बनाना ये करना वो करना सब वॉइस अटक रहे हैं सटक रहा है एक मिनट अब आ रही है आवाज यस सर ठीक अली को क्वेश्चन देखो कॉनिक सेक्शन ठीक है लिखो हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज 0.0 एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स प्लस वाई
is equal to 1, x plus y is equal to 1, and e is equal to 1 by root 2. E is equal to 1 by root 2. Karo. जीरो कॉमा जीरो फोकस से four into x square plus y square equal to x plus y minus one whole square. हाँ ना होगा ऐसा कुछ. सॉल्व नहीं किया. four x. हो गया ना पी एस इज इक्वल टू ए टू पी एफ डायग्राम के बीच में करो वैसे कर सकते हो और ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया फिर उसके परपेंडिकुलर रहा ना अगर तुमने ये किया है तो हाँ वैसा वैसा तो क्या हो गया उसमें तो यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम इससे आंसर आने वाला है यहाँ पे ये कितना गिवन है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बी पॉइंट ले लेंगे एक्स कॉमा वाई एस गिवन है हमें जीरो जीरो ठीक है और ई गिवन था वन बाय टू ठीक डायरेक्टली वन बाय रूट टू तो यहां से अब पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर इंटू पी एम स्क्वेयर तो पी एस स्क्वेयर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ई स्क्वेयर रहेगा वन बाय टू पी एम स्क्वेयर आ जाएगा तो ये ऐसा रख लो यहाँ तो स्क्वेयर करके और सिंप्लीफाई कर लो ठीक है और इसकी अगर डायग्राम बनाने की बारी आती है तो प्रॉपर डायग्राम तो ये डायरेक्ट्रिक्स थी ये उसका करस्पॉन्डिंग फोकस है ठीक है तो इलिप्स ऐसा इधर आएगा या इधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा ना मतलब ये वाला इलिप्स आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके का और इधर उसकी दूसरी डायरेक्शन का दूसरा फोकस रहेगा एक्सिस क्या रहेगा इसका वाई इक्वल टू एक्स रहेगा है ना बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है इसका अगर दूसरा फोकस निकालना है वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि इस फोकस से कितना डिस्टेंस हमें नीचे जाना पड़ेगा 2a डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए पहले a चाहिए होगा ये डिस्टेंस कितना होता है ये भी हमें चाहिए होगा अगर सारी चीजें बतानी है इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये वगैरह वगैरह तो कैसे ये डायरेक्ट्रिक्स थी x plus y is equal to 1 ये फोकस था करस्पॉन्डिंग फोकस था उसका अब ये देख लो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं ये किस रेशियो में डिवाइड करता है इन दोनों को इसके कोऑर्डिनेट्स तो आ जाएंगे ये आ जाएगा यहाँ पे 1 by 2 comma 1 by 2 ये 0 0 ये किस रेशियो में डिवाइड करता है e is to 1 में मतलब 1 is to root 2 में डिवाइड करेगा तो वहां से इसके कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए फिर उसके बाद ये जो लेंथ आती है फोकस की डायरेक्ट्रिक्स की जो लेंथ आएगी वो कितनी रहेगी यहाँ पे a by e minus a ये तो रहती है वो a by e minus a उस डायग्राम में स्टैंडर्ड से रिलेट करना सारी चीजें फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस देख लो a by e minus a आएगा है ना a by e minus a यहाँ पे कितना आ रहा है रूट टू आ रहा है
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ई तो हमें पता था 1/√2, तो यहाँ से ए मिल जाएगा। एक बार ए मिल गया तो इससे कितना डिस्टेंस हम नीचे आएंगे इस लाइन के ऊपर, 2ae डिस्टेंस नीचे आएंगे, क्योंकि फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2ae होता है। तो पैरामेट्रिक से 2ae डिस्टेंस नीचे आएंगे तो ये दूसरा फोकस, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें और ज्यादा डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। तरीके से सारी चीजें होगी, पैरामेट्रिक से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें भी। क्लियर है क्या क्या करना है? एक्सिस एक बार मिल गया, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन कितना, 45 डिग्री। अब इसी लाइन के ऊपर जाना है, आगे पीछे करना है, सारे वर्टाइसेस हमें मिल जाएंगे। ए मिल चुका, ई मिल गया, फिर उसके बाद सारी चीजें आ गई, ठीक है। मतलब उस इक्वेशन से तो हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, उस इक्वेशन से हम फोकस ये वगैरह, फोकस तो चलो पता थे, डायरेक्ट्रिक्स पता है, लेकिन वर्टेक्स क्या होगा, दूसरा फोकस क्या होगा, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सेंटर क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। उसके लिए पैरामेट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये किसमें होगा लेकिन, जब ऐसी कोई डायग्राम बनती है स्टैंडर्ड्स के अलावा, ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक्सिस एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इसमें पैरामेट्रिक, पैराबोला में भी पैरामेट्रिक से ही हमने किया था, इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है इधर? यस सर। कैसे निकाला जाएगा? ठीक, अगला डिस्टेंसेस का ध्यान रखना। यहाँ पे स्टैंडर्ड से मैच करवा सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता है। डायग्राम को अगर हम शिफ्ट करते हैं ना किसी एक्सिस के अबाउट या रोटेट करते हैं, डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, बस चेंज क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस के इक्वेशन चेंज होते हैं, बाकी डिस्टेंस सेम रहता है। इस कंसेप्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, सारी चीजें। हाँ बोलो सर, इसको हम इसमें फोकस के बीच का डिस्टेंस 2ae लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, पता कैसे चलेगा? नहीं, मैंने बोला ना, अगर तुम किसी डायग्राम को रोटेट भी करते हो तो उसमें डिस्टेंसेस तो सेम ही रहेंगे। मतलब जैसे फोकस का वर्टेक्स है, वर्टेक्स का फोकस, दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड की तरह ही रहेगा वो। बस चेंज क्या हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कोनिक में ही, जिसको हमें उससे जाना है। मतलब उसमें बोला गया है कि पहले उसका कुछ एक्सिस वगैरह कुछ है, उसको 45 डिग्री से रोटेट किया गया है, तो किसी की लेंथ बताओ, ऐसा कुछ है। तो लेंथ तो चेंज हो ही नहीं रही थी, जो स्टैंडर्ड के लिए लेंथ थी वही निकाल के उसका आंसर आ जा रहा था। पता नहीं सही तो है वो क्वेश्चन, रोटेशन का है वो दिख रहा है, तो समझ जाना जो हटाई दिया है 2010 के पहले उसके पहले था, उसके पहले था2 a आएगा, minor axis का distance, length निकालेंगे तो 2 b आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y square by b square is equal to, मतलब यहाँ पे एक तरीके से n भी find out करना। Passing through 2,1, passing through 2,1 and e is equal to 1/2, and e is equal to 1/2, e is equal to 1/2, और ये घर पे try करना तुम लोग, इसकी सारी चीजें निकालने में।
वर्टाइसेस, फोकाई, क्या क्या आएंगे, लेंस वगैरह सारी चीजें इसके निकाल के लाना, ये जो था प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तुम्हारा होमवर्क समझ लो। इसमें हमें सब कुछ चाहिए इस सीरीज के बारे में। विकल्प तो कोई क्लास में भी नहीं पाएगी। पता है यार मुझे तुमने बताया ओपन टेस्ट और ये 7 तारीख को टेस्ट ओपन बुक में हो रहा है। पहले तुम ये करो पहले करो इसको अब सॉल्व हो जाएगा। इतने क्या कर रहे हो ये यहाँ पर देख लो ये किससे पास कर रहा है 2.1 से, तो 2.1 इसको क्या करेगा सेट इस पास, फिर उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है 1/2, तो वहां से एक रिलेशन आएगा। अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, वो भी डिपेंड करता है उसी से दो आते हैं, है ना। वो एक अगर मान के चलेंगे वो दो केसेस आएंगे, इसमें दो डायग्राम पॉसिबल है, ध्यान रखना इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन बी, तो उस केस में जो e होता है वो रहता है अंडर रूट 1 - b² / a² ठीक है। तो यहाँ से ये तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, 1/4 = 1 - b² / a² तो जब b स्क्वेयर निकालेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 3/4 * a², ये b स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये फर्स्ट मान लेते। फिर उसके बाद ये 2.1 से पास कर रहा है तो 2.1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आ जाएगा 4/a² + 1/b² = 1, ये सेकंड,
तो इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की जगह पे वो पुट कर देंगे, वहां से 4 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 बाय 4 इनटू बी ए स्क्वायर, ये 4 बाय ए स्क्वायर है, ये 3 बाय 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 अपॉन 3 ए स्क्वायर is equal to 1, तो a square is equal to 16 by 3, तो वहाँ से जब b square निकालेंगे इसमें put कर देंगे 16 by 3, 3 गया, तो b square 4 आ जाता है, तो जो equation आएगा वो रहेगा 3x square by 16 plus y square by 4 is equal to 1, तो ये आएगा ये, and जब b greater than a होगा तो उस केस में यहाँ पे e is equal to रहेगा under root 1 minus a square by b square रहेगा, तो वहां पे आ जाएगा a square is equal to 3 by 4 into b square, पहले ये लिख लो जल्दी से, दूसरा करना बैठ गया मेरे तो 10 ही बाकी है ना, बाकी हो गए 50 तो है, फिर दुखिया मेरी तो मैं भाई बोले सर तूने ही बोला था पीछे दुखिया है इसने बोला था मैं तो किसके मुंह से निकला रही है और मैं मैंने बोला तेरे को बोल ही रहा हूं इसके बाद में बात तो अपने मन को ले रहा है पैराबोला में भी सेम क्वेश्चन बनेंगे, पैराबोला में बस बीच में क्या होता है माइनस होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डायग्राम अलग रहती है लाइक भाई, लेकिन जो पॉइंट्स है ना वो एक्सिस का इक्वेशन वर्टाइसेस फोकाई डायरेक्ट्रिक्स सारे इक्वेशन सेम रहते हैं, e बस उसमें क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, उसमें मेजर एंड माइनर एक्सिस नहीं होता है, ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस होता है, हाइपरबोला की बात कर रहा था, मैं क्या मैंने पैराबोला बोला, हाइपरबोला की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें सारा सेम होता है। तो अगला इसमें जब b greater than a था तो यहाँ पे b e is equal to अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो यहां से ये e तो 1 बाय 2 था तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 4, तो 3 बाय 4 इनटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये पहला आ गया, फिर उसके बाद ये जो इलिप्स था वो 2 कॉमा 1 से पास कर रहा है, तो 2 बाय 4 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 4 बाय ये आ जाएगा यहाँ पे 3 बाय 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 बाय 3 बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 19 अपॉन 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 बाय 3, ठीक है, और फिर उसके बाद a स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 19 बाय 4, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, क्या हो गया सर वो सिमिलरिटी के कारण एंटर की है हम नहीं है भाई ऐसे हम लेके आए हम, तो ये दो वैल्यूज आएंगे मतलब दो इज पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है इधर ऑनलाइन, ठीक है, तो होमवर्क में वो कर रखना, वो जो इसके पहले वाला एग्जांपल
उसकी सारी चीजें निकाल के रखना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है फिर। सर, इसी का बोलने वाला।